एक तरह का प्रश्न है, सब कुछ जानने के और समझने के बाद भी जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं होता? इसीलिए नहीं होता क्योंकि जानने और समझने के कारण हमारा जो आध्यात्मिक रोग है, जो बीमारी है हमको लगी हुई, वो ठीक नहीं होती, वो इसका इलाज नहीं है। आपको उसका सही इलाज करना होगा। ये तो ऐसी बात है जैसे किसी को कैंसर लगा है और उसने कैंसर के बारे में सभी ज्ञान अर्जन कर लिया, सभी किताबें पढ़ डाली और कैसे कैंसर लगता है, कैंसर के लक्षण क्या होते हैं, ये सब उसने जान लिया और कहने लगा कि कैंसर के बारे में मैंने सभी कुछ जान लिया और समझ लिया, फिर भी कैंसर ठीक क्यों नहीं हो रहा? इसीलिए नहीं हो रहा कि आपने कैंसर का जो उपचार है वो किया नहीं। आपने केवल विचारें और तर्क और मान्यता और धारणा इत्यादि को अपने मन में डाल दिया, इससे कुछ फर्क होने वाला नहीं है। या ऐसे ही एक बात है, जैसे कोई भूखा है और उसने 84 व्यंजन के बारे में जो पुस्तक है वो पढ़ डाली और कह रहा है मैंने तो 84 व्यंजन के बारे में सभी कुछ पढ़ डाला, फिर भी मेरी भूख क्यों मिट नहीं रही है ना? ऐसे ऐसा ही ये प्रश्न है। जो भी हम समझते हैं, जानते हैं, जिसको आप कहते हैं सभी कुछ समझने के बाद भी, सभी कुछ कभी भी समझा नहीं जा सकता। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो इस भौतिक जीवन में या मानसिक जीवन में या आध्यात्मिक जीवन में जितने भी बातें हो वो सभी कुछ जान जाए, ऐसा होता नहीं, क्योंकि आदमी के पास उतना समय नहीं है और चीज़ें बहुत सारी हैं। इसलिए जानने का क्या अर्थ है आपका? इन्फॉर्मेशन, सूचना लेना और मन की तुष्टि के लिए कुछ तार्किक बात को करना, उसको ग्रहण करना, इसको हम समझना और जानना कहते हैं। वास्तव में ये जानना और समझना नहीं है। तो आपको असली आध्यात्मिक उपचार ढूंढना होगा तो ही आपका जीवन परिवर्तन होगा, तो भी जीवन में परिवर्तन आ सकता है। जो आपको कैंसर लगा है उसके बारे में किताबें पढ़ने से नहीं, आपको अपने कैंसर के अंदर घुसना होगा और वहाँ आपको औषधि देना होगा, रेमेडी करना होगा, तो ही वो ठीक हो पाएगा। या आपको भूख लगी हो तो किताबें पढ़ने से नहीं होगा, आपको कुछ श्रम जुटाना होगा, आर्जन करना होगा खाद्यान्न को और उसको ग्रहण करना होगा, तो ही आपका भूख मिटेगा। ऐसे ही हमारे मन में, हमारे अनकॉन्शस माइंड में बहुत सारी चीज़ें दबी पड़ी है अज्ञान की, अज्ञान के कारण, गलत व्याख्या के कारण हमारे मन में बहुत सारी चीज़ दबी पड़ी है और बहुत सारी चीज़ों को हमने दबाया है जन्मों से। उससे कम्प्लेक्सेज पैदा हुआ है, हमारे ग्रंथि पैदा हो गई है मन में, तो वो ग्रंथि भीतर कीड़े की तरह बैठी है, एक वायरस की तरह। और बाहर बाहर से आप शास्त्र पढ़ते हैं, किताबें अध्ययन करते हैं, मगर भीतर भीतर आप उसका उपचार कभी नहीं करते जो आपके मनोग्रंथि, जहां आपका हीनता बोध है, जहां आपका रिग्रेशन है, दमन है, काम वासना की इच्छा है, तो उस ग्रंथि को बाहर निकालने के लिए आपने कुछ किया नहीं, वहां तक आप कभी गए नहीं, आपने अपने मन को कभी खोला ही नहीं। और ये किताबें, शास्त्र, ये सब बकवास है, इससे कुछ होने वाला नहीं। आपको अपना मन खोलना होगा, आपको अपने अनकॉन्शियस माइंड के भीतर घुसना होगा और वहाँ आपको जागरण पैदा करना होगा, जागना होगा। और ये जो हमारा अज्ञान है इन्हीं चीज़ों से पैदा होता है, हमारा अज्ञान, हमारा अंधकार, हमारा मूर्छा, हमारा जो भी बेहोशी है वो सब अनकॉन्शियस माइंड से बाहर निकलता है। तो वहाँ जो चीज़ दबी पड़ी हुई है उसके प्रति आपको जागना होगा। जैसे हम रात नींद में सोते हैं, स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में हम जाग नहीं पाते, जो भी हमको स्वप्न दिखाई पड़ता है, मन में जो विचार चलते हैं और जिस संसार का हम अनुभव करते हैं, वह हम जाग नहीं पाते, वह एकदम से उसको हम सत्य मान लेते हैं और उसी में हम प्रभावित हो जाते, उसका सुख दुख का अनुभव कर पाते। ऐसे ही दिन में भी जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड से विचार चलते हैं उसी को हम सत्य मान लेते हैं, उसके प्रति कभी हम जागते नहीं।
है ना, तो नहीं जागने के कारण आपके भीतर वो अवेयरनेस कभी पैदा होगा नहीं। पढ़ने से, पुस्तकें पढ़ने से, प्रवचन सुनने से अवेयरनेस होने वाला नहीं है। हाँ, पढ़ने से, सुनने से, श्रवण करने से भी होता है, मगर उसका अर्थ ये नहीं कि आपने उस शब्द को पकड़ के होता है। आप ध्यानपूर्वक किसी प्रवचन को सुनते हो एकाग्रता के साथ, और मन में कोई नहीं चलता है विचार, और उसी को आप एकाग्रता भाव से सुनते हो, तो उससे आपका जागरण विकसित होता है। वो फायदा होता है प्रवचन का। प्रवचन का वो फायदा नहीं होता कि क्या शब्द कहा और आपने उसको समझा कि नहीं, इससे नहीं। अच्छे से अगर आपने सुन लिया तो आपके भीतर का जागरण पैदा होता है ना, वो जागरण पैदा होने के लिए ये एक माध्यम बनता है। तो आप प्रवचन को सुनो या किसी संगीत को सुनो, बात एक ही, अगर आप किसी संगीत को सुनते वक्त भी ऐसे सुन सकते हो कि आप एकाग्रता भाव से उसी में लीन हो जाते हो और उससे उसके आधार पर आप जागते हो, तो संगीत सुनना भी प्रवचन सुनने जैसा ही एक माध्यम हो गया। तो बात यही है कि आप पढ़ने से, सुनने से ज़्यादा आप अपने मन का ऑब्जर्व करें, आप अपने मन के भीतर घुसे। रात में तो हम जा नहीं सकते मन के अंदर, रात में तो हम मन जो हमको दिखाएगा उसी में हम भ्रमित हो जाएंगे, उससे दूर नहीं हो पाएंगे, मगर दिन में हम मन से भिन्न हो सकते हैं। दिन में हम जान सकते हैं कि जो मन में विचार चल रहा है ये एक स्वप्न है, जो कुछ भी मुझे अनुभव हो रहा है, मुझे जो शरीर का अनुभव हो रहा है, मुझे जो अहंकार का अनुभव हो रहा है या मैं का अनुभव हो रहा है, ये अनुभव सत्य अनुभव नहीं है, ये मनगढ़ंत है ना, हमने मान्यताओं के द्वारा गढ़ दिया। हमारे ग्रंथि पैदा हो गई शरीर में, और उस ग्रंथि के कारण हमको मैं का अनुभव होता है, उस ग्रंथि के कारण हमको ये शरीर का अनुभव होता है, उस ग्रंथि के कारण हमको भ्रम का अनुभव होता है। तो मन में चलते हुए विचार और शरीर में पैदा हुए होते हुए जो भी संवेदनाएँ हैं, इनके प्रति आपको जागना होगा। वो जागना ही आध्यात्मिक उपचार है, उसके अलावा और कोई भी उपचार नहीं है। श्रवण से, सुनने से प्रत्यक्ष आपका कोई लाभ होने वाला नहीं है। अगर कोई लाभ होता है तो भी उसको सुनने से नहीं, उसके कारण आपके भीतर जागरण का पैदा होने के कारण वो लाभ होता है। तो ध्यान इसी को कहते हैं। आप चुपचाप कहीं पर बैठ जाएं, वो बात आप सब छोड़ दें, शास्त्रों की बात, किसने क्या कहा, शास्त्रों में क्या लिखा है, वो सब छोड़ दें। आप तो आपके शरीर और मन में क्या पैदा हो रहा है उसके प्रति आप जागें। पैदा तो हो रहा है, मन में विचार दिन भर चलते रहते हैं, शरीर का भाव दिन भर अनुभव में आता रहता है, मगर ऐसे ही हम इसको लेते हैं जैसे हम स्वप्न में चीज़ें को लेते हैं, स्वप्न दिखाई पड़ते हैं, ऐसे ही दिन में भी स्वप्न ही दिखाई पड़ते हैं। हम इसके प्रति कभी भी जाग के, थोड़ा हट के, किनारे बैठ के इनके प्रति जागते नहीं, तो इनके प्रति जागना होगा तो ही आपके जीवन में रूपांतरण होगा। तो रूपांतरण का यही अर्थ है कि आपका भीतर जो सोया हुआ दिया है, आपका भीतर जो सोया हुआ अवेयरनेस है, वो जग जाए। वो जगेगा कैसे, जब जिन चीज़ों के प्रति वो लिप्त हुआ है उनसे वो जब भिन्न होगा, अलग होगा और स्वयं में स्थिर होगा, तब वो जगेगा। जब वो जगेगा तब आपका स्वप्न विदा हो जाएगा। जैसे रात में जब आप स्वप्न देखते हैं, सुबह जगने के बाद वो सब खो जाता है, कुछ भी बचता नहीं है, एकदम से सब स्वप्न गायब हो जाता है। तो कैसे गायब हो गया, जो रात में इतना सच अनुभव में आता था, एक जागरण के कारण ये सब गायब हो गया। तो ऐसे ही आप दिन में भी जागने का अभ्यास करें, मन के विचार, शरीर के भाव और जो कुछ भी है, इन सभी अनुभवों के प्रति जब आप आँख बंद करके उनके प्रति जागेंगे, होश पूर्वक आप रहेंगे, कुछ करना नहीं है, केवल होश पूर्वक रहना है और जानना है कि ये चल रहा है। बुरा चल रहा है तो भी कोई बात नहीं, अच्छा चल रहा है तो भी कोई बात नहीं, आपको तो केवल जागना है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, जान के आपको जानना चाहिए कि आपके भीतर क्या हो रहा है। ऐसे ही अंधाधुंध नहीं होने देना, अंधाधुंध होने देंगे तो आप फिर उसी में लिप्त हो जाएंगे। तो थोड़ी दूरी रख के उसके प्रति जागने के कारण आपका, आपके भीतर जो अवेयरनेस है, जो सोया हुआ अवेयरनेस है, वो जगेगा, और जब वो जगेगा तभी आपका जीवन रूपांतरित होगा, तभी आप स्वप्न से बाहर आ पाएंगे, तो ये असल अध्यात्म का अनुभव आपको हो सकता है। तो मित्रों,
कुछ नए मित्र होंगे तो इस तरह के अपने मन और विचारों के प्रति जागने के लिए कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन आप मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।